सात महीने बाद राजस्थान में विधानसभा चुनाव है। भाजपा में सबसे बड़ा सवाल सीएम पेश को लेकर है। भाजपा में हाल ही में कई बड़े परिवर्तन किए गए। सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, राजेंद्र राठौड़ को नेता प्रतिपक्ष और सतीश पूनिया को उपनेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई। इन बदलाव के बाद राजनीति के गलियारों में एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि क्या भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को सीएम पेश के रूप में प्रोजेक्ट कर सकती है या जीतने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इन सवालों का जवाब जानने के लिए भास्कर ने पॉलिटिक्स एक्सपर्ट की मदद से 11 राज्यों में भाजपा की चुनाव रणनीति का अध्ययन किया। जानने की कोशिश की भाजपा सत्ता हासिल करने के बाद सीएम कैसे चुनेगी। राजस्थान में नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी दो बार से लगातार चित्तौड़गढ़ से सांसद रह चुके हैं। उनका नाम भी सीएम पेश की चर्चा में सबसे आगे है। दूसरी ओर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी लगातार दो बार कोटा से सांसद है। उनका नाम भी राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री के रूप में चर्चाओं में लगातार बना हुआ है। इसके अलावा तीन केंद्रीय मंत्री राजस्थान से हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत, अश्विनी वैष्णव और अर्जुन राम मेघवाल। तीनों के नाम भी भाजपा के सीएम चेयरों में शामिल माना जा रहा है। वहीं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी इस लिस्ट में शामिल हैं। दोस्तों, इन नेताओं में से कौन सा नेता राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए, आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दें।